अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। ठीक है जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम पाइनएप्पल आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे आपको। बहुत दफ़ा आइसक्रीम्स की फरमाइश होती रहती है, तो मैंने सोचा चले आज पाइनएप्पल आइसक्रीम बनाते हैं। चूल्हे पे पकेगा एंड देन वील बीट अप द एग वाइट्स एंड देन हम उसको फ्रीज कर देंगे, कल दिखाएंगे आपको। ठीक है, और आज सवाल भी हमने आइसक्रीम के हवाले से ही रखा है। इफ़ यू वांट टू विन इनेक्स की तरफ से डीलक्स पिज़्ज़ा पैन, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे कि आइसक्रीम में क्रिस्टल्स यानी बर्फ़ ना हो, ना जमे जब हम खाते हैं तो मुँह में वो आइस क्रिस्टल्स ना आएँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है बहुत दफ़ा। 8881 पे ये मैसेज आपने SMS कर देना है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा हाँ, दूसरी रेसिपी हमारी क्या है? आज हम बफेलो बाइट्स बनाएंगे, चिकन बफेलो बाइट्स बनाएंगे। उसका एक बहुत मज़ेदार सा मैरिनेशन होगा, एक सॉस होगा जो उसके साथ ऊपर पूरा हम कोट करेंगे। उसमें हम यूज़ करेंगे डिपिट का चिली गार्लिक सॉस, और हम फिर उसके साथ एक और सॉस आपको बनाना सिखाएंगे, विच इज़ अ वेरी नाइस क्रीमी गार्लिक सॉस, बिकॉज ये बहुत स्पाइसी होता है, तो उसके साथ थोड़ा उसको टोन डाउन करने के लिए यू कैन यूज़ दैट एज अ डिप ऑल्सो दूसरी चीज़ों के साथ। ठीक है, ओके। चलिए जी, पाइनएप्पल आइसक्रीम। एक कप पाइनएप्पल्स हैं यहाँ मैंने रख दिए हैं, उसका सिरप निकाल दीजिएगा। पाइनएप्पल जूस हमें चाहिए आधा कप जितना, और एक कैन कंडेंस मिल्क का है जो कि 14 ounces का होता है। सो लेट मी पुट दिस, ये पाइनएप्पल्स चले गए ब्लेंडर में डालना है। ठीक है, कंडेंस मिल्क है पूरा टिन, फिर इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल जूस आधा कप, ये ज्यादा है, और आप क्रश पाइनएप्पल भी यूज कर सकते हैं, पाइनएप्पल टिडबिट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें ब्लेंड करके फिर पकाना है। चेक कि ये पाइनएप्पल्स अंदर अच्छी तरह ब्लेंड हो गए हैं। यस, डन। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें इसको इस पैन में निकाल के पकाना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसमें से अच्छी तरह से निकालिएगा, स्पैचुला इस्तेमाल करिएगा, ऐसे मशीन्स में डोंट यूज़ एनी स्टील स्पून्स। हम शेफ कुकवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे बर्तन जो आपको नज़र आते हैं हमारे शोज़ पे सारे शेफ ब्रांड के हैं। ऑनलाइन आप परचेज भी इसको कर सकते हैं, और जो इसका मटेरियल है फूड ग्रेड मटेरियल है, पहली कंपनी है पाकिस्तान में प्रेशर कुकर बनाने वाली। सो आधा कप पाइनएप्पल का जूस, एक कप आप पाइनएप्पल्स लेंगे, ठीक है, और कंडेंस मिल्क का एक टिन 14 ounces वाला। अब आपने इसको पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। फिर मेरे पास यहाँ 2 अंडे की सफ़ेदियाँ हैं, थोड़ा सा पीला रंग हम डालेंगे, और थोड़ी चीनी है, क्रीम है, ये सब कुछ बीट करेंगे, इसको फिर उसमें मिक्स करेंगे, फिर फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रीज़ हो जाएगा। कल मैं निकाल के स्कूप्स में आपको दिखाऊंगी, और आप इसको पाइनएप्पल्स के साथ, चेरीज़ के साथ, वॉलनट्स के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, क्रीम के साथ, या फिर आप उसमें चॉप पाइनएप्पल एंड में डालिएगा जब ये हो जाए, क्या कहते हैं, जब ये सेट हो जाए। ओके, इसको आप चलाते रहना है, नीचे कहीं लग नहीं जाए, ठीक है, कंडेंस मिल्क, बिकॉज कंडेंस मिल्क नीचे लग जाता है तो ब्राउन बिट्स हो जाते हैं। आँच हम ज़रा हल्की कर लेते हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान, मज़ेदार सा। अंडे की जो जर्दियाँ हैं वो मैंने यहाँ रख दी हैं, चिकन में इस्तेमाल हो जाएंगी, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करिएगा। पाइनएप्पल का जूस बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा प्लीज़, चीज़ें नाप तोल के लीजिएगा, ठीक है, वरना फिर क्या होता है, बहुत पतला हो जाएगा, आइसक्रीम सेट नहीं होगा। ये जो सारे आइसक्रीम्स मैं आपको बनाना सिखाती हूँ वो सारे आइसक्रीम्स सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम्स हैं, हार्ड नहीं होते हैं, पत्थर जैसे बाज़ वक्त आइसक्रीम्स होते हैं मार्केट से लाते हैं, वो टूटते ही नहीं है, कटते ही नहीं है, स्कूप्स ही नहीं बनते हैं उसके,
उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बिकॉज शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वो अंदर कॉर्नफ्लावर डालें, जेलेटिन डालें, कोई और नॉट अ स्टेबलाइजर बट समथिंग एल्स अंदर. बाज़ वक्त तो बाहर के आइसक्रीम्स क्रीम भी नहीं होता है, इट्स नॉन डेरी, सो वो नहीं खाया करें. चलिए ऐसे है कि मैं इसको पकाती रहूँगी, आप लोग लीजिए ब्रेक. ब्रेक में आपने अगर जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 888 पे आप एसएमएस करके मुझे बताएंगे. बहुत सारे नाम नाम नहीं है आज तो हमने रखा है क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स आइसक्रीम में कैसे नहीं जमें, ठीक है, ये आपने लिख के मुझे बताना है. 888 पे एसएमएस करना है. मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. लेट्स टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. अब देख रहे हैं फूड डायरीज और पाइनएप्पल आइसक्रीम मैं बना रही हूँ. तो एक कप मैंने पाइनएप्पल्स लिए थे, उनको ब्लेंडर में डाल दिया था. एक टिन कंडेंस मिल्क का 14 आउंसेस का वो डाल दिया था साथ, और आधा कप पाइनएप्पल जूस. ब्लेंड हो जाए, पाइनएप्पल्स पूरे मिक्स हो जाए अच्छी तरह, तो आपने एक पैन में डाल देना है. तो 5-10 मिनट पका दीजिएगा, थोड़ा गाढ़ा हो तो उसको ठंडा कर दीजिएगा, ठीक है. गरम गरम में हम मिक्स नहीं करेंगे, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया है. अब यहाँ मेरे पास 2 अदद अंडे की सिर्फ सफ़ेदियाँ हैं, थोड़ा सा पीला रंग है, और चॉप करके पाइनएप्पल की एक रिंग रखती थी, 4 चमचे पिसी हुई चीनी है, और क्रीम है 1 कप. अब सब कुछ मिक्स करना है हमने, और फिर उसके साथ मिक्स करके हमने डब्बा भर के फ्रीज़र में रख देना है. फिर कल आपको मैं दिखाऊंगी निकाल के स्कूप्स जब ये सेट हो जाएगा. इसको आप लोफ टिन में भी कर सकते हैं, क्लिंग लगा दीजिएगा लोफ टिन में, पूरा अंदर बाहर बाहर तक आए वैसी क्लिंग रखिएगा, ओवरहैंग, ठीक है, उसको कहते हैं. और फिर उसमें ये आइसक्रीम भर दीजिएगा, और फिर दूसरे दिन उल्टा करके आप उसको स्लाइसेस में भी काट सकते हैं. आप चाहें तो इसमें आप चेरीज भी चॉप करके डाल सकते हैं, रेड चेरीज विल लुक नाइस विद पाइनएप्पल, वॉट एवर यू वांट टू डू, ठीक है जी. अब इसको हम कर दें, सारी चीज़ें मिक्स कर दें, एंड देन वी जस्ट फोल्ड इट ऑल इन टुगेदर. ये है सफ़ेदियाँ, पहले मैं सफ़ेदियों को बीट कर लूँ. आज का सवाल हमने रखा है फॉर दिस एनेक्स गिफ्ट, अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू द डिलक्स पिज्ज़ा पैन, तो जल्दी से आप 888 पे मुझे बताएंगे, एसएमएस करेंगे कि आइसक्रीम में हम आइस क्रिस्टल्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है जी. मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. फातिमा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं, फिर ये बीटर चलाती हूँ. जी हेलो. जी हेलो. जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक. जनक आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आपके सामने फरमाइए. मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देती हूँ. देवी जी, इसकी 2 कॉजेज होती हैं. एक तो आप जब इसके अंदर एयर थोड़ी सी रह जाती है, यानी पानी आइसक्रीम में, तो उससे भी क्रिस्टल बनते हैं. नंबर 2, जब आप फ्रीज करते हैं उसको निकाल के 2 दफा आप बीट करें तो उससे भी क्रिस्टल नहीं बनते. ओके, रिमूव हो जाती है. नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज. थोड़ी थोड़ी चीनी डालनी है आपने. सफ़ेदियाँ बीट हो गई चीनी के साथ, ये देखें, ठीक है. इस तरह ग्लॉसी रहनी चाहिए, ड्राई आउट नहीं हो जानी चाहिए, शाइन लग रहा है ना आपने आपको इसमें. अच्छा, अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे, हमें कोई मिक्सिंग विक्सिंग ज़्यादा करना नहीं है, क्रीम को बीट नहीं करना है. ये टेट्रा पैक वाली जो पैकेट वाली क्रीम मैं इस्तेमाल करती हूँ, आपको पता है कौन सी वाली, वो है. और आप अगर चाहें तो आप व्हिप्ड क्रीम भी डाल सकते हैं, बट आई समहाउ प्रिफर दिस ऑल माई डिज़र्ट्स. अच्छा, अब ये जो एक
अदद रिंग पाइनएप्पल की चॉप करके डाली थी वो चली जाएगी. फिर हमने रंग डालना है आज थोड़ा सा हल्का सा. ये बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं. आप ये बहुत अच्छे मुझे उस दिन को मैं गई थी सदर में एक शॉप है लकी स्टार पे, आई कांट टेक द नेम, बट वहाँ इनके पास हर किस्म के रंग हैं, हर किस्म के फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, स्प्रिंकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो इफ़ यू इंटरेस्टेड आप जाके ले आइए. अच्छा मैंने ना वो जो ब्लेंड किया हुआ था वो यहाँ पाइनएप्पल्स पाइनएप्पल जूस और कंडेंस मिल्क को यहाँ रख दिया था, वो भी हम इसमें डाल देते हैं. ठंडा करके डालिएगा हाँ आप लोग प्लीज़, गरम गरम नहीं. तो ब्लेंडेड पाइनएप्पल्स इसमें हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा. आपके पास एसेंस हो पाइनएप्पल एसेंस डालना चाहें, वेनिला एसेंस डालना चाहें वो डालिएगा. अब आप हल्का सा इसको मिक्स कर दीजिए. अगर आप चाहते हैं कि इसमें और मज़ीद थोड़ा सा रंग जाए मैं एक और ड्रॉप डालूंगी. हाँ तो मैं इसका बता रही थी कि जैसे हम वो छोटे वाले कलर्स इस्तेमाल करते हैं बाहर वाले, उसका भी मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, वैसे ही ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं. तो अगर आप ज़्यादा डाल दिया ना तो फिर वो बहुत डार्क हो जाते हैं. बस दिस इज द परफेक्ट कलर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलर भी नहीं. और आप इसको निकाल के रख दीजिए डब्बे में, डब्बा भर दीजिए और फ्रीज कर दीजिए. कोटकी से फातिमा है जी. हेलो. हेलो सलामकुम जी. सलामकुम, क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ थैंक यू जी. आपके सामने फरमाइए. आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा है. बहुत किसी भी प्रोग्राम में मसाला में मेरी फर्स्ट कॉल है. थैंक यू, खुशामदीद, फरमाइए. और मुझे ये पूछना था कि मैंने हलीम बनाया था जी. तो उसमें जो है ना वो जल गया था नीचे से. क्यों हलीम? क्यों, आपने आँच तेज रखी होगी? जी जी. तो फिर आँच कम रखिएगा नेक्स्ट टाइम. तो उसको चमचा हिलाते जाना है? जी जी, नीचे लग जाएगा वरना. अच्छा सही. और आपकी सब रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं. थैंक यू, मैं अक्सर आपका देखती हूँ प्रोग्राम. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. और हाँ जवाब तो दीजिए, आइसक्रीम क्यों उसमें, आइसक्रीम में क्यों क्रिस्टल्स बन जाते हैं? अरे एयर टाइट डब्बा लीजिएगा, उसमें आप निकाल दीजिएगा एंड देन व्हाट यू डू इज फिर फ्रीज़र में. अच्छा एक चीज़ हमेशा ये इसको फ्रीज़ हो जाने दीजिए. जब आपको लगे कि 3-4 घंटे बाद साइड्स फ्रीज़ हो गई हैं, बीच में से अभी भी थोड़ा सा हल्का सा नहीं जमा हुआ है, निकालिए या बीटर या कांटे से खूब बीट करके रख दीजिए. ढक्कन टाइट एयर टाइट होना चाहिए, फिर निकालिए 2-3 घंटे बाद. ये करते रहिएगा, इसीलिए मैं सुबह सुबह आइसक्रीम बना लेती हूँ जब मैं घर में बनाती हूँ, ताकि पूरा दिन में आप ये कर सको. फिर एक पूरी रात फ्रीज़ होने दीजिएगा, दूसरे दिन निकालिएगा, स्कूप को गर्म पानी में डालिएगा, फिर स्कूप आउट हो जाता है. अगर आपको बहुत जल्दी है, टाइम नहीं है, माइक्रो कर दीजिएगा आइसक्रीम को, बस 10 सेकंड, ठीक है? हल्का सा माइक्रो करिएगा, ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं पिघल जाए पूरा. और फिर आप उसको स्कूप निकाल के, या फिर आप ये भी कर सकते हैं पूरा ऐसे उल्टा कर दीजिए और उसको फिर आप स्लाइसिस में काट लीजिए, या आप स्प्रिंग फॉर्म टिन में आइसक्रीम सेट कर दीजिए, बाहर फॉइल लगाइएगा कि लीक आउट नहीं हो, और फिर उसको आप वो टिन पूरा खोलेंगे तो आप उसको वेजेस में काट सकते हैं, या फिर आप क्लिंग लगा के लोफ वाले टिन में कर सकते हैं, उसके आप स्लाइसेस काट सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं हमेशा आइसक्रीम स्कूप आउट करें हम, आप स्लाइसेस भी तो काट सकते हैं. सो इसमें निकाल देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं. एक बार रीकैप भी कर देती हूँ, मैंने 1 कप पाइनएप्पल्स लिए थे, ठीक है जी, उसको आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया, 1/2 कप आपने पाइनएप्पल जूस डाला, उसमें 1 कैन कंडेंस मिल्क का 14 ounces का डाला, सब कुछ ब्लेंड हो गया. तो फिर आपने उसको चूल्हे पे एक पैन में रख के हल्की आंच पे पकाया. कंडेंस मिल्क नीचे लग जाता है, प्लीज़ याद रखिएगा, ब्राउन बिट्स आ जाएंगे, अच्छा सा ना टेस्ट आएगा ना देखने में. अगर ऐसे हो जाए छान लीजिएगा, ओके, बट नहीं होने दीजिएगा, हल्की आंच पे करिएगा, खूब चमचा या विस्क चलाते रहिएगा. फिर उसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा, ठंडा करिएगा. फिर आप लीजिएगा एक बोल में 2 अदद अंडे की सिर्फ सफ़ेदियाँ, खूब बीट करिएगा. उसमें आप 4 चमचे पिसी हुई चीनी डालिएगा, उसको खूब बीट करिएगा, ठीक है? फिर आप उसमें 1 कप भर के क्रीम डालिएगा, व्हिप्ड क्रीम हो या फिर आप पैक का क्रीम हो वो डाल दीजिएगा. तो चीनी, अंडे की सफ़ेदी, क्रीम, कंडेंस मिल्क, पाइनएप्पल जूस और पाइनएप्पल्स, और एक पाइनएप्पल की रिंग मैंने बचाई थी उसको मैंने चॉप करके इसके अंदर मिक्स कर दिया है.
आप इसमें चॉप करके चेरीज भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, पाइनएप्पल, चेरीज एंड वॉलनट्स। चाहे तो आप इसमें चॉकलेट के फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, हर चीज में चॉकलेट नहीं। और थोड़ा सा मैंने रंग डाला है, दैट्स इट, इट्स रेडी टू गो इन आवर फ्रीजर। तो चलिए ये हम फ्रीजर में रख देते हैं, उसके बाद हम आते हैं और हम बफेलो बाइट्स की रेसिपी आपको सिखाते हैं, जिसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं डिपिट का चिली गार्लिक सॉस इन इट्स सॉस। सो ये आपको किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेट मी पुट दिस अवे फर्स्ट। आप अगर अंदर बहुत सारे चॉप पाइनएप्पल्स चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2-3 रिंग्स चॉप करके डाल दीजिएगा। ये पूरा लीटर बॉक्स बन जाता है इससे। बस ये मैं यहाँ छोड़ दूँगी फ्रीज़र में और कल आपको दिखाएंगे। ओके जी, ठीक है, ब्रेक की तरफ चलें। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, आएंगे तो फिर हम बफेलो बाइट्स की तरफ और उसके क्रीमी गार्लिक सॉस कैसे बनता है वो दिखाएंगे आपको। आपको पता है हम पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे फूड डायरीज आपके साथ मसाला टीवी पे लाइव है 1 से 2 दोपहर में, और रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से। मसाला टीवी का जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक का पेज है वो भी आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम आके दिखाएंगे आपको इंग्लिश में, उर्दू में, दोनों में रेसिपीज़ हमारी होती हैं। फोटोज सेक्शन में दूसरे अलग अलग एल्बम्स हैं अलग अलग महीनों की, वहाँ से रेसिपीज़ ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। मैंने यहाँ तेल गरम करने रख दिया है, बिकॉज हमें क्या करना है, मेरे पास यहाँ 1/2 किलो चिकन ब्रेस्ट फिले हैं, ठीक है, उसको क्यूब्स में काट दिया था, उसमें नमक, सफ़ेद मिर्च का पाउडर हम डालेंगे और मैदा, दैट्स इट। तो ये नमक चला गया और ये है सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर पाउडर, ठीक है, और मैदा, इसको आप कोट कर दीजिए अच्छी तरह और फिर इसका एक बैटर बनेगा। बैटर में हम क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, हम इसके सॉस में डिपिट का चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है डिपिट इज़ पाकिस्तान ओनली कंपनी टू लॉन्च सॉसेज इन 14 डिफरेंट फ्लेवर्स, इंस्पायर्ड बाय फ्लेवर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट क्विजींस ऑफ द वर्ल्ड। तो चाहे वो स्वीट सॉस क्यों नहीं हो, टैंगी स्वीट थाई चिली सॉस क्यों नहीं हो, सिर्फ हमारा प्लेन सिंपल केचप चिली गार्लिक सॉस क्यों नहीं हो, आपको यहाँ वाइड रेंज नज़र आ रही है हमारी स्क्रीन पे। इसमें कोई एडिड कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, स्टार्च भी नहीं है, MSG भी नहीं है, एंड दे आर मेड यूजिंग लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और 700 से ज़ायद शॉप्स में दस्तियाब है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान एंड फैसलाबाद में। और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं दराज से भी, daraz.pk/dipit लिखेंगे तो आपको उसमें एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ये सॉस हम बाद में करेंगे, द क्रीमी गार्लिक सॉस। बफेलो बाइट्स किस तरह चिकन से बनाएंगे हम, बट चिकन के क्यूब्स हैं, उसमें हमने नमक, सफ़ेद मिर्च और मैदा लगा के रख दिया है। अब हम इसका एक बैटर बनाएंगे एक बोल में, ठीक है। उस बैटर में हम इसको डिप करेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बैटर को हम ठंडे पानी से बनाएंगे। तो ये है मेरे पास यहाँ कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर जाएगा बैटर के लिए। टू मेक योर बफेलो बाइट्स नाइस एंड क्रिस्पी, चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें, पाउडर हो या फिर कुटी हुई हो। फिर हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 चमचा भर के। बोल्स में चीज़ें फंस जाएं तो प्लीज़ आप इस तरह आप भी स्पैचुला से निकालिएगा, बिकॉज हर चीज़ नाप तोल से होती है। यहाँ अंडा 1 अदद जाएगा और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए। इसको आप मिक्स कर दीजिए। इकरा है कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, हेलो, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए जी। मुझे आपके शो की तारीफ करनी थी, आप बहुत अच्छे बेकिंग डिश, नॉर्मल डिशेस बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच।
और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। जी जरूर। ये जो हम मतलब आइसक्रीम डायरेक्ट हम फ्रीज करने रख देते हैं, तो बीच में हमें दो तीन दफा मतलब उसको बीटर घुमा लेना चाहिए या चम्मच करना चाहिए, वरना तो वो क्रिस्टल्स इसी वजह से बनते हैं कि हम सिर्फ जमा देते हैं। ठीक है, और कुछ? और बस ये कहना चाहूंगी, और पिज्जा पैन जीतना है। जीतना है, देखते हैं कौन जीतता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चले मैं रिकैप कर दूं, मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था, नमक, सफ़ेद मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैदा बैटर के लिए, और मज़ीद थोड़ा इसमें मैं मैदा डालूंगी। कॉर्नफ्लावर था, अंडा था, बेकिंग पाउडर, नमक था और लाल मिर्चों का पाउडर था, और मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी डालना है। बैटर में हमेशा तेल डालते हैं, हमेशा थोड़ा सा, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून। ठीक है, ये हो गया अच्छी तरह मिक्स। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी और मज़ीद पानी डालूंगी, तेल यहाँ गर्म है टू फ्राई। थोड़ा सा मैदा जाएगा, स्पाइसी होंगे हाँ, बफेलो बाइस, बफेलो सॉस आपको पता है हमेशा स्पाइसी होता है। चिकन को इसमें से उठाएंगे, इसमें डालेंगे और डीप फ्राई कर देंगे, निकाल के छन्नी में रख देंगे। फिर हम एक सॉस बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे डिपिट के सॉस के साथ। फिर हम इसके साथ एक और क्रीमी गार्लिक सॉस भी बनाएंगे। आप फिर ट्राई करिएगा, बनाइएगा रेसिपीज़ और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैदा और मज़ीद ठंडा पानी, चिकन को आपने उठाना है, इसमें डालना है और डीप फ्राई कर देना है। मैदा था इसमें, नमक और सफ़ेद मिर्च, और कुछ नहीं था। ठीक है, मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। चिकन के क्यूब्स एक ही साइज़ के यानी कि यूनिफॉर्म साइज़ के काटिएगा, ताकि तलने में पकने में आसानी रहे। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, बिकॉज बहुत गर्म हो गया था तेल। ओके, नाउ शैल वी स्टार्ट, कि हमें ब्रेक तो नहीं लेनी। अच्छा चलो, ये ऐसे देखें, डिप किया आपने, एक्सेस निकाल दिया, डीप फ्राई करने डाल दिया। ठीक है, ये एक एक करना पड़ेगा इंडिविजुअली, इट विल टेक टाइम। बेकिंग पाउडर है तो कितना इसका ऊपर का जो बैटर है उसका ऐसे अच्छा सा राइज हुआ है, देखें। फिर मैं हाथ धो लूँगी, इसको टर्न कर दूँगी, इसको निकाल दूँगी। बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो फिर ये जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, सो मेक श्योर बहुत तेल गर्म नहीं हो। ठीक है, फिर सॉस बनाएंगे, चिली गार्लिक सॉस जो डिपिट की है उसके साथ हम चिली ऑयल और क्या है, शहद है और लहसुन है, ये सब कुछ डालेंगे और इसको हम पकाएंगे। फिर क्रीमी गार्लिक सॉस भी बहुत मज़े का बनता है, सो अगर किसी को बहुत तीखा सॉस नहीं खाना है तो इस तरह क्रीमी गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर दीजिएगा। लेकिन ये बैटर में ठंडा पानी और तेल ज़रूर शामिल करिएगा। मैं तो घर में पकौड़े भी बनाती हूँ, उसके बैटर में भी मैं तेल डालती हूँ, हमेशा एक चमचा तेल बैटर में ज़रूर जाता है। चिकन में कोई इतना स्पाइस हमने नहीं डाला है, बिकॉज द सॉस एंड दिस बैटर इज वेरी स्पाइसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक एक इंडिविजुअली चिकन को करेंगे ना, फिर आप उस सॉस में उसको टॉस करेंगे। बस अब मैं हाथ धो लेती हूँ, बिकॉज आई हैव टू टर्न दीज, और मुझे चूल्हा भी ऑन करना है। ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मैं यहाँ बफेलो बाइट्स का जो चिकन है उसको यहाँ मैं फ्राई कर करके इसमें छन्नी में डाल रही हूँ। जब ये एक्सेस इसका तेल निकल आए तो फिर आपने इसको एक बोल में डाल देना है, इसलिए कि अभी हम टॉस करेंगे। और ये इतने क्रंची एंड क्रिस्पी बने हैं बिकॉज ऑफ द बेकिंग पाउडर और तेल बैटर में और ठंडा पानी, यक ठंडा पानी होना चाहिए, प्लीज़ ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे मैंने डाल दिए हैं, अभी हो रहे हैं ये फ्राई, आप ऐसे भी खा सकते हैं। तब तक हम सॉस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ है चिली ऑयल, चिली ऑयल आपको मार्केट में मिल जाता है, वरना आप घर में भी बना सकते हैं।
ये चिली ऑयल चला गया, इसमें हम डालेंगे लहसुन चॉप करके, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा लहसुन एक दो जबे चॉप करके, और डिपिट का चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा शहद, बस ये मिक्स कर देंगे। फिर जब ये सारे चिकन के पीसेस फ्राई हो जाएंगे, तेल छन जाएगा इसका, बोल में डालेंगे और ये सॉस इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद फिर हम उसको एक और सॉस बनाना सिखाऊंगी, क्रीमी गार्लिक सॉस, उसके साथ सर्व करेंगे। चिकन को आप और भी छोटे पीसेस में कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लहसुन, आप इसमें शहद डालेंगे, और डिपिट का चिली गार्लिक सॉस। बहुत ही बेहतरीन सारे इनके सॉसेस हैं, आप भी घर लाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, इनका ये बफेलो बाइट्स के साथ बफेलो सॉस भी है, बफेलो हॉट सॉस भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू यूज़। मैंने चिली गार्लिक यूज़ किया है बिकॉज ऑलरेडी इसमें काफ़ी स्पाइस है। चिकन हमारी हो गई है, इसको हम निकाल देते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि चिकन को आप बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं कर दें। फ्राइंग में मैंने देखा है लोग हर चीज़ बहुत डार्क ब्राउन कर देते हैं, ज़रूरी नहीं होता है, अंदर से पक गया है। और अगर आपको शक हो तो छुरी मार के देख लीजिएगा, छुरी साफ निकले इसका मतलब है चिकन इज़ डन। अभी पूरा चिकन थोड़ी देर हम रखते हैं इसको छन्नी में ताकि एक्सेस तेल सारा निकल आए, और उसके बाद फिर मैं इस सॉस के साथ करूँगी इसको मिक्स। चिली ऑयल था, डिपिट का चिली गार्लिक सॉस है, लहसुन है और थोड़ा सा शहद है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा और ये छन्नी में से हम इसको एक्सेस तेल निकाल देते हैं और इसमें डाल देंगे एक बोल में, और फिर पूरी सॉस इसको कोट कर देगी। आप ये सॉस बना के रख दीजिए, क्रीमी गार्लिक सॉस अलग से बना के रख दीजिए, चिकन को मैरिनेट करके रख दीजिए। खाते वक्त आप फ़ौरन चिकन को फ्राई करिए और सॉस बाद में डालिएगा, सॉस पहले से डाल देंगे बहुत सॉगी हो जाएगा, ठीक है। बफेलो बाइट्स आर सपोज टू गेट सॉगी, सो डोंट वरी। चलिए ये मैं यहाँ रख दूँ ताकि आप लोगों को हम दिखा दें हाउ ईजिली विल मिक्स अप एवरीथिंग। सॉस हो गई है हमारी, कोई पकाना नहीं है, बस एवरीथिंग इज नाइसली मिक्सड इन। ये देखें, ये आपकी सॉस भी चली गई, चख लीजिएगा। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी लगे तो आप शहद डाल सकते हैं। अच्छी तरह हमने हर चीज़ को मिक्स कर देना है, तो यूजिंग टू स्पून आई विल डू इट। ये देखें, ये आप बिल्कुल एंड में करिएगा, ये आप करके रखिएगा नहीं प्लीज़। ये हो गया डन, अब इसको मैं एक डिश में निकालूंगी, तब तक हम सॉस की तरफ आ जाते हैं, क्रीमी गार्लिक सॉस जो है हमारी। अच्छा जी, ये है मेरे पास यहाँ दही, दही को मैंने टांग दिया था मलमल के कपड़े में, इसका एक्सेस पानी जो था वो पूरा निकाल दीजिएगा। 4-6 चम्मच दही लिया था, टांग लिया तो ये 2-3 चम्मच हो जाता है। गाढ़ा सा दही चाहिए हमें, मेयोनीज चाहिए और क्रीम चाहिए, मेयोनीज क्रीम और दही का मट्ठा यानी हंकर्ड, ये बेस होता है हर सॉस का, हर डिप का। फिर इसमें आप वेरिएशंस करते रहें। अच्छा जी, अब मैं इसमें बहुत थोड़ी सी चीनी डालूंगी, ठीक है, बहुत थोड़ी सी चीनी गई, लहसुन गया चॉप किया या क्रश किया हुआ, और थोड़ा सा हम नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, नमक गया, मेयोनीज बहुत नमकीन होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, कुटी हुई काली मिर्चें और लेमन जूस। ठीक
ठीक है जी, इसको मिक्स कर दीजिए और ये आपका क्रीमी गार्लिक सॉस हो गया है। ऐसे करते हैं हम रेसिपी रिकैप की तरफ भी चलते हैं। अगर आपने आज की तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो ज़रूर नोट कर दीजिएगा, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा ये सारी रेसिपीज़। ये थिक सा क्रीमी गार्लिक सॉस रेडी है, बफेलो बाइट्स रेडी हैं, पाइनएप्पल आइसक्रीम फ्रीज़र में जा चुका है। आप लीजिए ब्रेक और अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से डिलक्स पिज्ज़ा पैन तो जल्दी से मुझे बताइए 888 पे एसएमएस करके कि आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जवाब लिख लीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। बफलो बाइट्स, अच्छा, चिकन बोनलेस क्यूब आधा किलो, नमक एक चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा एक कप, बैटर के लिए मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर एक खाने का चमचा, अंडा एक अदद, बेकिंग पाउडर एक चाय का चमचा, तेल एक खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ठंडा पानी हसबे ज़रूरत, सॉस के लिए चिल्ली सॉस 2 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 जवा, चिल्ली ऑयल 2 खाने के चमचे। तरकीब, चिकन क्यूब्स पर नमक और सफ़ेद मिर्च लगा दें। अब बैटर के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। उसके बाद चिकन क्यूब्स को पहले मैदे में कोट करें, फिर बैटर में डिप करके गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। सॉस के लिए चिली ऑयल गर्म करके लहसुन, चिली सॉस और शहद शामिल करें और साथ ही फ्राइड चिकन फोल्ड कर लें। आखिर में इसे क्रीम गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। क्रीमी गार्लिक सॉस, अज्जा, क्रीम 1 कप, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 जवा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कास्टर्ड शुगर आधा चाय का चमचा। तरकीब, तमाम अज्जा मिक्स करके बफलो बाइट्स के साथ सर्व करें। पाइनएप्पल आइसक्रीम, अज्जा, पाइनएप्पल 1 कप, पाइनएप्पल जूस आधा कप, कंडेंस्ड मिल्क 1 कैन, क्रीम 1 कप, अंडे की सफ़ेदियाँ 2 अदद, चीनी 4 खाने के चमचे। तरकीब, ब्लेंडर में आधे पाइनएप्पल को जूस और कंडेंस्ड मिल्क के साथ ब्लेंड कर लें। अब मिक्सचर को पैन में निकालकर दरमियानी आँच पर रखें और चमचा चलाते रहें, साथ ही बाकी पाइनएप्पल चंक्स शामिल करके ठंडा होने के लिए एक तरफ छोड़ दें। उसके बाद अंडे की सफ़ेदियाँ बीट करें और साथ साथ चीनी शामिल करके बीट करते जाएं और एक तरफ रख दें। अब ठंडे कंडेंस्ड मिल्क और पाइनएप्पल के मिक्सचर में क्रीम मिक्स करें, फिर इसमें अंडे का मिक्सचर शामिल करके मिक्स कर लें और फ्रीज़र में 4 घंटे या रात भर के लिए छोड़ दें। जी, वेलकम बैक। देखें, यहाँ क्रीमी गार्लिक सॉस आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आया था और जो हमने चिकन से बफेलो बाइट्स बनाए थे एंड उसमें हमने यूज़ किया था डिपिट का चिली गार्लिक सॉस, आप भी इसी तरह बनाइएगा, नाइस एंड स्पाइसी। लेकिन अगर आपको कम चाहिए तो कम आप लाल मिर्चों का पाउडर बैटर में कम डालिएगा, ठीक है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और पाइनएप्पल आइसक्रीम फ्रीज़र में है, वो कल दिखाएंगे, पाइनएप्पल्स के साथ, चेरीज़ के साथ, क्रीम के साथ आप डेकोरेट कर सकते हैं। और आई होप आपने ये आज की तीनों रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे ज़रूर, फीडबैक दीजिएगा। फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का जो पेज है, 5 लाख मेंबर्स जिसमें हो गए हैं, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा और फोटोज सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। अंग्रेज़ी की रेसिपी हमेशा आप लोग कहते हैं नई नज़र आती है। दिस इज़ फॉर ऑल दोज इंटरनेशनल फैंस एंड व्यूअर्स हु वॉन्ट टू सी द रेसिपी इन इंग्लिश बट दे कांट सी इट, इट्स राइट नेक्स्ट टू द पिक्चर। ओके, ठीक है जी, ये हो गया। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।